चंगेज़ी नाम से हम सब वाकिफ़ हैं। बहुत बढ़िया सी दिल्ली स्टाइल वाली चंगेज़ी आप सबके लिए लेकर आ गया हूँ। उसका जो ऑथेंटिक तरीका है वो तंदूर में अक्सर लोग रोस्ट करके बनाते हैं और फिर उसको ग्रेवी में डालते हैं, लेकिन मैंने उसको रोस्ट किया है। रोस्ट क्या किया है, मैरिनेट करके शैलो फ्राई किया है और फिर ग्रेवी में यूज़ किया है। बहुत आसान और बढ़िया तरीका है, आप किचन के अंदर बहुत आसान तरीके से बना भी सकते हैं। तो हेलो गाइस, मैं शेफ मोहसिन कुरैशी आप सबका फिर से इस्तकबाल करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि वीडियो आते ही नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए, जो चंगेज़ी मसाला है, कैसे बनाना है पुरानी दिल्ली वाला, शुरू करते हैं, बताते हैं आपको किस तरह से बनेगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, हम चंगेज़ी कैसे बनाते हैं वो बताना। तो चंगेज़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमने चिकन ले लिया है। चिकन लेने के बाद में उसको मैरिनेट कर रहे हैं और मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के बाद इसको वो शैलो फ्राई करेंगे। बहुत सारे लोग रोस्ट करके भी बनाते हैं, लेकिन ऑथेंटिक तरीका रोस्ट करके ही बनाने का है। लेकिन जो लोग रोस्ट नहीं कर सकते जैसे आप लोग, तो मुझे लगा कि आपको उस तरीके से बताया जाए कि आप घर में आसान तरीके से बना सकें। तो ये सबसे पहले हमने अदरक लहसुन डाल दिया है, उसके बाद में लाल मिर्च डाल दी है और फिर हमने डाल दिया है कश्मीरी मिर्च थोड़ी सी और थोड़ा सा जीरा पाउडर डालेंगे। करीब आधा चम्मच हम डालेंगे इसमें सौंफ का पाउडर। और आधा चम्मच हम डालेंगे काले मिर्च का पाउडर। इसके साथ में हम थोड़ा सा इसके अंदर डालेंगे नींबू। ताकि जो चिकन है ये सॉफ्ट हो जाए थोड़ा। और इसी के साथ हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा दही। दही हम डालेंगे अप्रॉक्स 2 चम्मच और इसको फिर हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और बढ़िया तरीके से मैरिनेट हो जाएगा ये। मैरिनेट करने के बाद कम से कम इसको आप 20 मिनट तक रख लीजिएगा और फिर उसके बाद में इसको हम लोग शैलो फ्राई करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये बढ़िया सा मसाला इसमें मिक्स हो चुका है। अब इसको आधे घंटा रखने के बाद में इसको शैलो। तो दोस्तों, अब हमें इसकी ग्रेवी बनाने के लिए एक और पैन के अंदर तेल डालना है इस तरह से। प्याज डालना है, बहुत ज़्यादा प्याज नहीं ज़रूरत है इसमें, चंगेज़ी में ज़्यादा प्याज डालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये हमने डाल दिया थोड़ा प्याज, अब इसे हमें फ्राई करना है। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, हमारी जो प्याज है वो ब्राउन होने लग रही है। तो अब हमें इसके अंदर काजू ऐड करना है। और इन दोनों को फिर एक साथ ब्राउन करना है। काजू पहले मत डालिएगा क्योंकि काजू बहुत जल्दी ब्राउन हो जाते हैं, प्याज आपका सही तरीके से प्रॉपर तरीके से ब्राउन नहीं हो पाएगा। तो बहुत ज़्यादा ब्राउन प्याज भी नहीं करना है, बस जितना मैंने रेशियो रखा है उतना ही आप कर लीजिएगा, वो ही बहुत है। दोस्तों, ये हमारा काजू और प्याज दोनों ब्राउन हो गया है, अब हम इसको ग्राइंड करते हैं। तो दोस्तों, अब हमें क्या करना है, अब हम पैन के अंदर फिर से घी डालेंगे, देसी घी डालने के बाद में
एसी की जब थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इस तरह से हम टमाटर डालेंगे। टमाटर डालने के बाद में हम इसके अंदर डालेंगे कश्मीरी मिर्च। कश्मीरी मिर्च को डालने के बाद में हम इसको इस तरह से पकाना शुरू करेंगे। और इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। और इन टमाटरों को ना थोड़ा सा पकने देंगे। कश्मीरी मिर्च क्यों डाला है मैंने, क्योंकि थोड़ा सा इसमें बढ़िया सा कलर आ जाए। और नमक इसलिए डाला है ताकि जो टमाटर हैं थोड़े से दब जाए, ताकि गल जाए। और इसके अंदर बहुत थोड़ा सा पानी लगा देंगे और फिर इसे हम इस तरह से दम मार देंगे। ये जब तक टमाटर हमारे गलेंगे उसके बाद फिर बाकी की चीजें करेंगे। तो चलिए इसको दम मार के ढक देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना जो चिकन मैरिनेट किया था उसको फ्राई करेंगे। उसको फ्राई करने के लिए हम इसके अंदर डालेंगे तेल। ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं, देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने इस समय ऑयल का इस्तेमाल किया है। और ऑयल थोड़ा सा गर्म होने के बाद में हम जो हमारा चिकन है उसको इस तरह से पैन के अंदर डाल देंगे। ये देखिए, तो ये अब एक साइड से हो गया है। अब हम इसे इस तरह से दूसरी साइड से करेंगे। देख सकते हैं आप, बहुत बढ़िया सा कलर आना शुरू हो गया है। अब ये दूसरी तरफ से हमने ऐसे इस तरह से इसको पलट दिया। और अब इसको हम इस तरह से ढक देंगे ताकि चिकन जो है बढ़िया तरीके से जल्दी पक जाए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं चिकन की क्या कंडीशन है। चिकन हमें सिर्फ 80% ही करना है। तो हाँ, ये 80% हो गया है। और अब हम इसको साइड करते हैं और फिर इसकी ग्रेवी की तैयारी शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो दोस्तों जो हमने टमाटर को दम मारा था लगभग आप देख सकते हैं गल चुके हैं। तो अब हम इसे घोटना शुरू करते हैं और फिर बाकी का प्रोसेस बताना शुरू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये टमाटर हमारे घुट ही चुके हैं। तो अब हम जो प्याज का हमने इसके अंदर काजू और प्याज का जो पेस्ट बनवाया था वो इसके अंदर ऐड करेंगे। हमारी चंगेजी में और उसी के साथ में जो हमने चिकन
जिसको वो किया था वो इसमें ऐड कर देंगे और इसी के साथ में इसको हम इस तरह से पकाना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों मेरे मुंह में तो पानी आना शुरू हो गया है, अब आप बताइएगा घर में जब आप बनाएंगे कैसा लग रहा है आप सबको। तो ये अच्छी तरह से अब पकने देते हैं इसे। ये पकता रहेगा और उसके बाद में हमें इसके अंदर जो डालना है वो डालना है थोड़ा हमारा गरम मसाला। और साथ ही में थोड़ी सी कस्तूरी मेथी का पाउडर और थोड़ा सौंफ का पाउडर, ये डाल दिया हमने थोड़ा सौंफ का पाउडर, ये हमने डाल दिया कस्तूरी मेथी। कसूरी मेथी को थोड़ा सी रोस्ट करके हमने डाला है ताकि जो फ्लेवर आता है वो बहुत लाजवाब और मज़ेदार आता है। और ये जो पक रहा है ना इसी के बीच में अगर आपने मक्खन डाल दिया तो मज़ा ही आ जाएगा। तो हम इसके अंदर थोड़ा सा मक्खन ऐड करते हैं। अगर आप चंगेज़ी खाने जाएं तो वो अलग लेवल का एक मज़ा आएगा आपको, जामा मस्जिद पर, इंदर लोक में और भी ऐसी करोल बाग में बहुत जगह जहाँ चंगेज़ी इस समय बनाई जा रही है। इसके अंदर डाल दिया ढेर सारा बटर, होए 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 होए, क्या मज़ेदार हमारी चंगेज़ी तैयार हो गई है दोस्तों। देख सकते हैं कितनी बढ़िया रंगत आ गई है। और साथ में अब डालेंगे हरा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्च। इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्च। ये चंगेज़ी भाई साहब हम लोगों का हो गया है तैयार। और बनाए घर में आप और हमें ज़रूर बताएं भाई कमेंट बॉक्स में कैसा लगा आपको। तो चलिए